गलत बात है, अफवाह है सब। अरे अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है, झूठ है, झूठ है। हम लोग का दबाव बनाया जा रहा है, हम लोग का दबाव बनाया जा रहा है, आपको विज्ञापन मिलता है, हम लोग का दबाव बनाया जा रहा है कि लोग भड़काता है। नहीं, सरकार का विज्ञापन का बोली मत बोलिए। आप फंस गया, मछली जाल में फंस गया, अब फड़फड़ाएगा और मरेगा। अब चैनल में एकदम सब नेता मंत्री किल कर बैठ रहा है, गरीबी में चला हम लोग के ठग के यार, चुतिया बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। जो यार जे सीसीटीवी में लगातार झारखंड की हक अधिकार में छात्रों की हक अधिकार 60-40 का नियोजन नीति को लेकर हमेशा देवेंद्रनाथ महतो मुकर होकर बात कर रहे हैं। इनके ऊपर कितने लाठीचार्ज से लेकर तमाम ऐसे नेता मंत्रीगण इनको दबाने की, इनको मराने की तमाम चीजें इनके ऊपर लगा रही है, ताकत कोशिश लगा रही है, लेकिन नाकाम हो जा रही है। और अभी देख रहे हैं कि ये रामगढ़ क्षेत्र रांची से पहुंचे हैं, तमाम अपने छात्र दल के साथ और भी छात्र हैं, जो कि टाइगर जयराम महतो का पीछे जनसभा चल रहा है, वहां पे बिजी हैं देखने के लिए और सुनने के लिए। आज देवेंद्रनाथ से बातचीत करना चाहते हैं, इतना बिजी शेड्यूल में कि आप जो इतना अभी ढोल लगा लेके चल रहे हैं, आपका तो एक साइन ले रहे थे, कितना लोग का साइन लिए, साथ ही साथ अभी क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? और झारखंड बंद में तो एक दिन तो कर दिए थे आप लोग सफल, और दो दिन आपको करना है, तो किस तरह का तैयारी चल रहा है? कैसे लोग बोल रहे हैं संथाल परगना से, दुमका से, और भी सोई छोटा उत्तरी छोटा मकपुर, पूरे पांचों प्रमंडल के 2400 जिला के 81 विधानसभा क्षेत्र के तमाम समाज के लोग पहली बार एक साथ खड़ा होकर के बाहरी माफियाओं के ताकत को ध्वस्त करने के लिए कमर कस लिए हैं। और जब पिछला आंदोलन जो था, चाहे दो बार का विधानसभा चढ़ने का बात हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसने का बात हो, चाहे 72 घंटा का लगातार आंदोलन का बात हो जिसमें एक दिन का बंदी था, जिस प्रकार ऐतिहासिक सफल हुआ, लेकिन सरकार बाहरी सरकार अंधी सरकार को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये लोकतंत्र है, यह संविधान हमें अधिकार देता है इस लोकतंत्र पे कि हमारा हक अधिकार अगर मारा जाएगा तो हम लोग लगातार आंदोलन को करके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अरे पहुंचेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, तो स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हम लोग 10 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय महाजन आंदोलन का ऐलान किया है, बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो प्रथम चरण जो विधायक संसद का लिखित रूप से समर्थन प्राप्त करना था, जो बड़ी आनाकानी किया, बड़ी बहानाबाजी किया, कोई कह रहा था हम दिल्ली में है, कोई कह रहा था हमको हॉस्पिटल जाना है, कोई कह रहा था कोर्ट जाना है, कोई कह रहा था कि कोर्ट और हॉस्पिटल नहीं जाएगा इस तरह से। हाँ, तो हम एक एक कहे कि आपका मुहर सिग्नेचर ट्रांसफर पोस्टिंग ठेकेदारी कमीशन के लिए है खाली, कि और हरी बाहरी क्या प्रमोशन के लिए है, कि यहाँ के नीति बोल रहा है, भाई धोके जैसे आपके चैनल में हमने शुरू ही कहा था, अंतिम दिन 25 मई तक तमाम किसी भी पार्टी से हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, अचसू हो या निर्दलीय हो, सबको यूपी वाले सब एक साथ खड़ा। अरे उन लोग कुर्सी प्यारा है, हम लोग का जो 72 घंटा का अन्ना गुप्ता जो वो तेज बन रहा था, अरे थर 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 कांप रहा है, तेज बनेगा यहाँ, सीधे बोल रहे थे, गिन रहा था पहले, आप लोग को गिन रहा था, हाँ 1 2 3 4 5 कर रहा था, साला झारखंडियों को गिनता है रे, बन्ना गुप्ता झारखंडियों को गिनता है, गिन लेगा, क्या गिन रहा था, 70-80 के संख्या में गए थे, 5 को मिलने अपना केबिन बुलाया और गिना 1 2 3 4 5 और बोला कि 5 हो तुम लोग को जेल भेजेंगे, धमकी दे रहा था हमको, हमारे क्रांतिकारी साथियों को, उसी का वोटर, उसी का विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ पे जब गए जमशेदपुर में, हम बन्ना गुप्ता को बोले, अरे बन्ना गुप्ता तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ 1 2 3 4 5 करने का झारखंडियों को, यह झारखंडियों का राज है, मालिक है, मालिक को गिनते हो तुम, यहाँ का शुक्र मनाइए क्या, यहाँ की जनता आपको सीट जिता करके यहाँ मंत्री तक बनाया है गन्ना को, और बिहार में पूरा पुतला दहन उसको किया, और बोल रहा है बिहार भेजेंगे, यूपी भेजेंगे उसको, देखिए सबका किया, जो भी चाहे पीएम सिंह हो चाहे बन्ना गुप्ता हो, हम लोग ऐलान कर दिए, क्योंकि हमारे 5 साथियों को धमकी नहीं दिया, वो धमकी पूरे झारखंडियों का था, और झारखंडी उस चुनौती को स्वीकार किया लल, और उसको कहा कि राज में पीएम सिंह नहीं चलेगा, राज में बन्ना गुप्ता नहीं चलेगा, अगर इस राज में अगर आप हैं किसी भी पार्टी से विधायक एमएलए एमपी, तो इस राज्य के जनता के पक्ष में नीति बनाने के साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा, अन्यथा 5 साल इंतजार नहीं करेंगे, बीच में आपको भागना पड़ेगा। और हम चैलेंज, झारखंड बंद जो हम लोग का अभी सखुआ घूम रहा है, ढोल नगड़ा देख रहे हैं सोशल मीडिया में छाया हुआ है, पूरे पेपर में भी छप रहा है, डेली छप रहा है। अरे ठीक है, राज्य के जो मुखिया है बरेठ विधायक, वो साइन किया कि नहीं? बरेठ विधायक को हम लोग हेमंत सोरेन, डायरेक्ट बोलिए ना, हाँ तो हेमंत सोरेन का
ऑफिस में हम लोग मुहर मरवा लिया है, मुहर मरवा लिया, उसको भी दे दिए हैं। 81 का 81 कौन मारा? डुप्लीकेट मोहर नहीं, डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल है। लेकिन लगा कि क्या प्रूफ? अरे उसको ऑफिस में मारा, उसका वीडियो फुटेज ऑफिस सब आपको स्कैन करके भेज देंगे, अब चला दीजिएगा उस सबको। हम लोग एक भी बात हवा हवाई नहीं बोलते हैं, सारे बात तर्क और तथ्य के आधार पे बोलते हैं। जी जहाँ साइन कराने जाते हैं वहाँ धमकी देते हैं, जो वीडियो बनाते हैं विधायक को एकदम खड़ा कर लेते हैं, बोलने लगते हैं गलत बात है, अफवाह है, अरे अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है, झूठ है, झूठ है, स्वेच्छा से किया है उन लोग, अपने डर से किया है। हम लोग ऐलान किए एक ऐलान किए, जो यहाँ मोहर सिग्नेचर नहीं लगाएगा उसका माथा में झारखंड विरोधी का कलंक लग जाएगा। आ जाते तो आप घेर देते हैं आवास में जाके उन लोग, क्यों नहीं घेरेंगे? धमकी देते तो डर साइन कर, बाद में बोल देगा कि हम लोग तो घेरते तब है जब इस लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन में अंग्रेज द्वारा रोइया करता है। हम लोग जाते हैं तो बोलता है साहब सो रहे हैं, हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं साहब आराम कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र गया था, हार जीतने गया था क्या? जो एकदम थक जाता है, अरे हम लोग से बहाना नहीं मिलने का, बोलता आराम कर रहा है, सो रहा है, तो ये अंग्रेज का राज है कि ये लोकतंत्र है? हनी ट्रैप हो रहा था, मैं वीडियो कॉल में सो रहा था। अब कहां सो रहा था वो बताएगा? बन्ना गुप्ता 3 दिन सोया हम लोग के जाने के क्रम में, अब कहां सोया वो तो बताएगा, लेकिन 3 दिन सोया, उसका जाके उसका पीए पर्सनल पीए से पूछिएगा, 3 दिन सोया है, 4th दिन में भेंट हुआ तो आनाकानी किया था। अच्छा तो ऐसे ऐसे पपुआ था, हम आप लोग जाते हैं एकदम देख लेते हैं, जबरदस्ती वीडियो बनाने लगते हैं, उन लोग डरे साइन कर देता है ना? नहीं गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, वो लोग फंस चुका है। शर्ट एकदम आंदोलन करते करते एकदम लोग पानी उछल लेता है, सब भिजता है, आपका एकदम पसीना भींग जा रहा है। नेता मंत्री लोग को नहीं दिख रहा है कि कितना मेहनत कर रहा है देवेंद्र नाथ? नेता मंत्री लोग कान से बहरा हो गया, आंख से अंधा हो गया है, क्योंकि यह सत्ता के नशा में चूर चूर है, तो नशा लोग का फटेगा। और थर थर कांप रहा है भी, जो विदेश गया था ना जो विधायक, उसको व्हाट्सएप में लिख के भेजा है आपको? हाँ, क्या भेजा? प्रिंट आउट करवा के मोहर सिग्नेचर लगा के डिजिटल सिग्नेचर करके। आप लोग चल जाएंगे घर वहां टेक लीजिएगा, फिर आप बोले वीडियो बनाने लगते हैं आप लोग, ये तो डायरेक्ट एकदम वीडियो में एकदम बोलने लगते हैं आपका सेना है, जो योगेश भारती है। अच्छा कहाँ गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं? लाज नहीं लगता है? लाजे ना हम लोग साइन कर रहा है, लाजे कर रहा है, चाहे जे कर रहा है, लेकिन वो लोग फंस गया, अब फंस गया, मछली जाल में फंस गया, अब फड़फड़ाएगा और मरेगा, अब बचेगा नहीं। आप लोग 7-40 आंधी है, सब उड़ेगा, अब सर्वदलीय बैठक करके जो 7-40 को वापस नहीं करेगा ना, और यदि खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं करेगा और यहाँ के परीक्षण लेकर नौकरी नहीं देगा नौजवानों को, तो फंस गया है, आप इस जाल से निकल नहीं सकता है, आप तो लोग गया काम से। एक उपाय है बचने का हमारा जाल से, सर्वदलीय बैठक करो और क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करके यहाँ का सब झारखंडियों को नौकरी दो। और हम दावा कर रहे हैं देव जी कि अगर हमारी बात को मानी जाएगी तो हम कन्फर्म ऑन रिकॉर्डेड बोल रहे हैं, झारखंड का प्रत्येक घर में एक एक सरकारी नौकरी होगा। अच्छा, प्रत्येक घर में क्यों मुर्मू क्या नहीं बोलते हैं? क्यों बोल रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? झारखंडी लोग सुन रहा है, देवेंद्र महतो बोल दिया तो ऐसे नहीं। सरकारी आंकड़ा के अनुसार 6 लाख बेरोजगार है और सरकार विभाग में 3.5 लाख थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नौकरी है। इसके अलावा जो PSC में रिक्त पद है, इसके अलावा स्वरोजगार है, इसके अलावा फैक्ट्री इंडस्ट्री है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट है, तरह तरह का है। 3.5 लाख सिर्फ 3.5 लाख से ज्यादा सिर्फ सरकारी थर्ड और फोर्थ ग्रेड में है और मात्र 6 लाख बेरोजगार है। मतलब एक घर में तो 2 भाई बहन 3 भाई बहन होता है, तो एक एक सरकारी नौकरी प्रत्येक घर में ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कन्फर्म। और लिख लीजिए नौकरी ले लीजिएगा तो दारू मुर्गा नेता किसको देगा? वो तो बाहरी प्रेम के कारण ही सब बोल रहा है। अच्छा सालखंड मुर्मू के बारे क्या कहेगा? नहीं चलते हो साथ, चली तो कहा चलते हो बोलो? वो तो समर्थन दिया था हम लोग, उल्टा पलटा कर रहा है क्या? नहीं देखे न्यूज में 60-40 नहीं चलते हो तो कहा चलते हो ऐसे बोल? सल खान जी, झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति चलते हो, 60-40 चलते हो तो झारखंड अलग कहे हुआ? अगर 60-40 चलना था तो अलग राज्य क्यों बना?
अलग राज इसीलिए बना के 740 नहीं चलते, और जे कहते 740 चलते वो 2024 में नहीं चलते। अच्छा योगेश दा भी है, योगेश दा तो थोड़ा से पूछे कहियो, तो बड़ी एकदम चैनल में एकदम सब नेता मंत्री किल कर बैठ रहा है, गरीबी में साला हम लोग के ठग के यार चुतिया बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, इसलिए हम लोग के छोड़ेंगे नहीं, सुपड़ा साफ है 2024 जी, बेवकूफ बन रहा है, बेवकूफ है, पढ़े लिखे इंसान है जी, चश्मा लग गया पढ़ते पढ़ते, वही बात है, यहाँ बाहरी को घुसा रहा है, अपने देख रहे हैं क्या इतना बहाली आया है, पहले पीजीटी का 48,000 भरा था, अभी 6 लाख भरा है, कहाँ है सब बाहरी, तो यहाँ आ जाएगा, वो लोग 60-40 सब में भीतर भीतर मार देगा, अब पेट में जो चना भूंजा बादाम बेचता है ना, देखिएगा कि शहर टोन में गोला तक यहाँ घुस गया है, अंदर तक घुस गया, तो इतना दिन से 10 साल से लाइब्रेरी में पढ़ पढ़ के चश्मा लग गया, अब आपका भी लग गया, क्या कीजिएगा, बीमारी धर लिया है, इसलिए सरकार को तो सुपड़ा साफ करने के लिए आए हैं, सरकार अब बचेगी नहीं, उसको फड़फड़ाना निश्चिंत है, तालाब से बाहर जो मछली निकालते हैं, लाइब्रेरी से निकलते हैं फट के एकदम मीडिया प्रेस करते हैं, बायकॉट करने लगते हैं नेता मंत्री लोग, रांची से एकदम आप लोग निर्णय लेते हैं, ये अधिकार दिया भारत का संविधान, तो हम लोग अधिकार के तहत हम लोग करते हैं और करेंगे, झारखंड को लूटने दीजिए ना जी, उन लोग का पेट भरने दीजिए, जो कर बाप का जो लूटने देंगे, अपना बाप का झारखंड हम लोग कैसे लूटने दे देंगे, आप हम लोग पाठ पढ़ा रहे हैं, मीडिया है के सरकार का आप ये कर रहे हैं, खाली सरकार तरफ से आए हैं का, सरकार तरफ से आए हैं का, सरकार तरफ से नहीं आए, लेकिन जिस तरह से देख बोल रहा है भारत, हम लोग का दबाव बनाया जा रहा है, आपको दबाव बनाया जा रहा है, विज्ञापन मिलता है, हम लोग का दबाव बनाया जा रहा है कि लोग भड़काता है, नहीं सरकार का विज्ञापन का बोली मत बोलिए, आप चौथे स्तंभ में निष्पक्ष बात करिए, यहाँ का अधिकार मारा जा रहा है, 23 साल का झारखंड हो गया, और यहाँ बाहर का नौकरी दे रहा है, झारखंड खराब हो जाएगा, वाला भी उन लोग का सपोर्ट कर रहा है, दबाव बनाता है सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, पदाधिकारी के ऊपर, इसीलिए तो बोल रहे हैं, हम लोग लूटने दीजिए, हम लोग लूटने दे देंगे, और हम लोग का कटोरा मांग के जो नौकर नौकरानी का काम करेंगे, हाँ बताइए, हम लोग नौकर नौकरानी का काम करेंगे, लोग लूटने देंगे, आप रजरप्पा मंदिर गए थे क्या, मंदिर में तो गए थे हम पूजा करने के, जैसे कि हेमंत सोरेन का सद्बुद्धि हो जाए, ताकि मतलब इतना हम लोग के युवाओं के लिए, मतलब जैसा सरकार में आया था तो बोल के आया था कि तो सरकार बनते ही 5 लाख युवाओं के नौकरी, रजरप्पा माया मतलब बराबर पूजा करने आते हैं, इसीलिए हम सोचे कि चलो भाई एक बार पूजा कर लेते हैं कि उसका मतलब दिमाग खुल जाए, हम लोग झारखंडी युवक मार के मार मार के माथा फोड़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग पूजा करने गए बस, तो दादा झारखंडियों का आह्वान क्या करना चाहिए, 10 ग्यारह को जो झारखंड बंदी का आप लोग आह्वान किए हैं, हम वही अपील करना चाहेंगे तमाम झारखंडियों को कि 9 तारीख को हर गली गली, हर चौक चौराहा में, हर सड़क पे विशाल मशाल जुलूस निकालिए, और आह्वान करिए, इस बार एक दिन नहीं लगातार 2 दिन लगातार 48 घंटा 10 और 11 जून झारखंड बंद का ऐलान है, ठीक है सर, एक सवाल है, झारखंडी अगर आप बोल दे रहे हैं, आप पूरे झारखंड को लीड कर रहे हैं छात्रों के हित में, आप लोग अगर उनके ऊपर केस होती है, मुकदमा होती है, मारपीट होती है, तो उनके लिए आप पीछे खड़े रहेंगे, जो केस होता है, जो नोटिस होता है, वो इस बात का सबूत है कि आप सच के लिए लड़ रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि आने वाला पीढ़ी का भविष्य के लिए आप खड़ा है, वो इस बात का सबूत है कि आप झारखंड को लूटने नहीं दे रहे हैं, तो ये आपके लिए गर्व की बात है, और जो पुलिस प्रशासन जो नोटिस भेज रहा है, एफआईआर कर रहा है, उसको हम कह देना चाहते हैं, आप मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में आप अपना बच्चा का विरोध कर रहे हैं, आप अपना पीढ़ी पर बात कर रहे हैं, आप अपना भविष्य पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आज आप पुलिस हैं तो कोई अडानी और अंबानी का बेटा नहीं है, आप पुलिस हैं तो कोई किसान का बेटा है, तब जाके पुलिस है, और आज कल अपना बेटा बेटी के लिए, भविष्य के लिए अब सोच नहीं रहे, और हम लोग को नोटिस कर रहे हैं, इसीलिए ये मत सोचे कि आप हम लोग को दबा रहे हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य पर बात कर रहे हैं।